हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं बहुत ही प्रिसाइस तरीके से बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि आपके यू पी एस सी प्रिलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसको इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं वन टॉपिक इन वन वीडियो सो वीक के अंदर आपके पास टू द पॉइंट सीरीज के अंदर तीन वीडियोज आती तीन uh, टॉपिक्स जो हैं बहुत हाई हाई प्रॉबेबल टॉपिक्स जो हैं आपके इस सीरीज के अंदर जो है वो कवर होते हैं एंड इफ़ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेन्स एंड इंटरव्यूज सबका काम जो करंट अफेयर्स का है वो एक तरह से जो है वो डन हो जाए देर इज अ कोर्स विच इज गोइंग ऑन एट अभिमन्यू आई एस आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द कोर्स लेटर ऑन इन दिस वीडियो अभी हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसके साथ

कि वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है हेड करे और इसको फॉर्म करे इंडिया हैज प्रपोज टू लॉन्च अ मेगा ग्लोबल अलायंस अंडर इट्स लीडरशिप टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स एंड एश्योर्ड सपोर्ट ओवर फाइव अ गारंटीड फंडिंग ऑफ हंड्रेड मिलियन डॉलर राइट अब देखो प्री के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है एक तो इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आ सकता है कि इंडिया के अंदर एक्सेप्ट फॉर पूमाज एंड जेग्वार्स

कि क्या कर रहा है श्योर्ड सपोर्ट ऑफ ओवर फाइव तो फाइव ईयर्स को चेंज करके या तो वन ईयर कर देगा या फिफ्टी ईयर्स कर देगा थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाएगा है ना और ग्रेंटेड फंडिंग ऑफ हंड्रेड मिलियन है हंड्रेड मिलियन को हंड्रेड बिलियन कर देगा है ना कि ड्रेस्टिकली इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो यूपीएससी यहां खेलेगा दूसरे एग्जाम जो है आपको यहां खेलते हुए दिख सकते हैं इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के अंदर आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं कि अबाउट इंटरनेशनल बिग कैटलाइंस की क्या है ये आईबीसी प्रपोज आई बी सी ए विल वर्क टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द सेवन मेजर बिग कैट्स ठीक है जो मैंने आपको पहले बताया था टाइगर लॉयर्ड स्नो लेपर्ड पूमा जैगवार एंड चीता मेंबरशिप टू दलायस विल बी ओपन टू नाइनटी सेवन रेंज कंट्रीज रेंज कंट्रीज आर दो कंट्रीज जहां पर जो बिग कैट है वो फ्रीली मूव करती है मेंबरशिप

तो थोड़ा सा जिस जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिस नेशनल पार्क के अंदर वो शिफ्ट हुए थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लेना जो सवाल है बेसिकली जो करंट डिराइव्ड सवाल होते हैं वो इसी तरीके से आते हैं द अलायंस वॉज इंस्पायर्ड बाई दराइवल ऑफ चीता इन ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रॉम नमीबिया इसका एम क्या है डिसेमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बेंच मार्क प्रैक्टिस कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्सिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अवेयरनेस क्रिएशन एटसेट्रा ऑन द प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स

पार्टनरशिप नॉलेज ई पोर्टल कैपेसिटी बिल्डिंग इको टूरिज्म पार्टनरशिप अमंग स्पेशलिस्ट एंड फंड टैपिंग विल बी सम ऑफ इट्स मेन एक्टिविटीज सी अब देखो यहां पे क्योंकि इस सीरीज का नाम है टू द पॉइंट अब यहां पे हम इसको एज इट इज पढ़ लेंगे इन द क्लास जो कि जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम हर एक वर्ड को पर्टिकुलरली समझते भी हैं कि हाउ इको टूरिज्म हेल्प इन प्रोटेक्टिंग दीज बिग कैट्स या फिर इको टूरिज्म आपके एनवायरमेंट को फायदा देता कैसे है राइट right? तो so, इस टाइप की चीजें भी जो है हम क्लास में जो है कवर करते हैं ताकि आपके होलिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग जो है इस किसी भी टॉपिक में बन जाती है और ये यहाँ ही नहीं आपके स्टैटिक के अंदर आपको बहुत हेल्प करता है लेट मी टेल यू अबाउट दैट कोर्स अगर हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पे तो सो दिस इज द कोर्स दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इट इज फॉर बोथ प्री एंड मीन्स राइट ये टू द पॉइंट सीरीज ऑफ की प्री के लिए अगर ये जो कोर्स है वो आपको प्री एंड मींस दोनों के लिए आता है इट इज अवेलेबल बोथ इन ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मेट Which means आपका ईज ऑफ एक्सेस अगर आप कहीं बाहर से जो है इसको एक्सेस करना चाह रहे हो इट इज लाइक परफेक्टली ओके और एक इंट्रेक्शन बेस्ड क्लास रहती है कि यहाँ पे भी आप जो है टीचर के साथ में बात कर सकते हो टीचर इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द दॉनीटर एज वेल हमारे सामने बिल्कुल सामनेटर रहता है राइट थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है यहाँ पे नंबर यू गेट अ क्लास बेसिकली वीक में आपकी दो क्लासेस होती हैं टू क्लासेज आर देयर और सैटरडे एंड मंडे को एक क्लास होती है इसके अंदर जो प्रिसीडिंग वीक होता है उसके करंट अफेयर्स को क्लास के अंदर जो है पढ़ाया जाता है और उसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में कवर होता है कि इससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट का शॉर्ट नोट्स बना बना के उसको वहीं पे हम खत्म कर देते हैं एंड आपको एक रजिस्टर फॉर्म होता है आपके साल के एंड में उस रजिस्टर के बाहर यूपीएससी के अंदर आपका सवाल जो है वो नहीं आएगा और इनके साथ है तो वो वैसा सवाल होगा कि वो ऑल ओवर इंडिया किसी को भी नहीं पता होगा बहुत ऐसे कहीं छुपा हुआ रेयर सवाल तो ऐसे सवाल वो वाले होते हैं जिनको आपको वैसे भी छोड़ना ही होता है सो आफ्टर दिस कोर्स आपका करंट अफेयर्स का जो मामला है वो सॉल्व हो जाता है सेकेंड यू गेट वीकली पीडीएफ आपके पोर्टल के अंदर अभी पीडीएफ के अंदर आपको वीकली पीडीएफ मिलती हैं करंट अफेयर्स की जिसके अंदर अगेन मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं हफ्ते की एक पीडीएफ है और एक पीडीएफ के अंदर आपके ऑलमोस्ट ऑल दोर्सेज इंडिया में चल रहे हैं वो कवर हो जाते हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्रिसाइज फॉर्म में नंबर थ्री यू गेट वीकली टेस्ट हफ्ते का एक टेस्ट आपको मिलेगा और उसके अंदर में वीकली टेस्ट के अंदर आपका इन दोनों से जो आएंगे सवाल आएंगे तो बेसिकली आपने जो पढ़ा है वो फोर्टीफाई हो जाता है वो वैलिडेट सा हो जाता है, और आपका जो स्टडी है इट बिकम्स रिलायबल तो आफ्टर दिस आफ्टर दीस थ्री थिंग्स यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका करंट अफेयर्स तो कवर हो चुका है इसके बाहर आपको कुछ जो है आप करंट अफेयर्स में कवर नहीं कर सकते और बहुत ही टीम के थ्रू क्यूरेट होकर आपके पास कंटेंट पहुंचता है ताकि आपके हिस्से का जो काम है वो ऑलरेडी डन हो और आप फोकस करो ज्यादा आपका स्टैटिक पार्ट के ऊपर क्योंकि यूपीएससी अब धीरे धीरे स्टैटिक की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान देखने को मिल रहा है पिछले दो सालों में चलिए वापस चलते हैं हम आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलाइंस के ऊपर तो हमने देख लिया कि नाइनटी रेंज कंट्रीज के लिए ओपन होएगी सेवन मेजर बिग कैट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिया में पुमा एंड जैग्वार ये दो एब्सेंट है ये नहीं होते यहाँ पे

स्पेसिफिक टर्म वो क्या टर्म है वो अभी हमें जो है इसमें बताया नहीं गया है एंड दैट इज ऑल इन टूडेज टॉपिक आईबीसी ने मिला है एंड देट मी टेल यू अबाउटॉर्म यू आर व्यूइंग इट ऑन राइट नाउ अभिमन यू आई इस प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर यूपीएससीड वेरियस पीसीएस एक्सामिनेशन इट है पॉजिटिव रिजल्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आए हैं दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म इज रिलायबल दैट इज ऑल फॉर टूडे माई नेम इज रोहित गर्चा द सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई